अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग हुसैन रिहार्ट लॉन 2022। इसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, हालांकि अभी न्यू कलेक्शन लॉन्च होने वाला है, बट मुझे अभी टाइम मिला इसकी वीडियो शेयर करने का और अभी तक हमारे पास ये अनस्टिच पड़ा हुआ है। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, ये है लॉन का कपड़ा है। हमेशा एक ही तरह का लॉन होता है, इनके डिज़ाइन में पतला काफ़ी सी थ्रू होता है। ये लाजमी इसमें लाइनिंग लगानी पड़ती है, बिल्कुल हाथ मेरा जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ओके, तो इन्होंने कपड़ा जो है एक तो हमेशा बहुत पतला दिया होता है, हमेशा कोई मीडियम साइज़ आई थिंक सिल पाएगा। आई डोंट थिंक कि मीडियम से ज़्यादा पॉसिबल है। इनफैक्ट चेस्ट तो हो जाएगी अराउंड 21 इंचेस, मतलब लार्ज साइज, बट ये कि ए लाइन दामन नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट दामन होगा। तो ये फ्रंट ओपन स्टाइल है, ये जो है दो पैनल हैं इसके, एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही हुई हुई है। उसके बाद ये इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है जो कि मुझे लग रहा है फ्रंट और स्लीव्स का, क्योंकि बैक का नज़र आ नहीं रहा, इसलिए कि ये इतना ही बॉर्डर है। बॉर्डर भी जो है वो मैक्स 22 इंचेस का होगा। ये मेरा जस्ट रफ आइडिया है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे कम हो सकता है। ये हमेशा ही इन्होंने कम कपड़ा दिया होता है। उसके बाद ये स्लिट्स की साइड एक्सटेंशन है। हालांकि हुसैन रिहार का भी स्टाइल हमेशा एक जैसा होता है, एक ही जैसे साइड एक्सटेंशन, एक ही जैसा काम, कहाँ कहाँ क्या रिक्वायर्ड, एक ही फैब्रिक, बस डस्ट डाइंग, बट स्टिल काम की एम्ब्रॉयडरी भी जो है वो एक ही तरह की होती है। उसके बाद जो है ये चार तय किए हैं, ये पूरे लंबे मतलब आर्म होल से लेकर दामन तक ये साइड एक्सटेंशन है। पूरे साइड पर जो ये लगेंगे चाकों पर, अलबत्ता इसको लगने से जो है चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसको बढ़ता हुआ लगा सकते हैं। उसके बाद ये बैक बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, बैक और स्लीव्स का ये कपड़ा है। तो स्लीव्स के ऊपर इस जोड़े के अंदर, एक तो हुसैन रिहार के सूट से बड़ी मेहनत होती है, और इसके अलावा इन्होंने जो है एप्लिक वगैरह बहुत दी हुई। ये बंच जो है एप्लिक होंगे ये वाले, और ये बैक का बंच है। एक चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन है कि अगर हम इस बॉर्डर को मान लें, एक्चुअली मैं पढ़ ही लेती हूँ, सॉरी, मैं ज़रा डिस्क्रिप्शन पढ़ने में मुझे बड़ी मुसीबत आती है, मैं कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ती। अच्छा जी, इन्होंने जो है लिखा हुआ है फ्रंट बैक, ये फ्रंट बैक इन्होंने बनाया हुआ है, और ये जो है स्लीव्स के लिए बॉर्डर दिया हुआ है। हालांकि स्लीव्स में जिस तरह का स्टाइल लगा हुआ है, तो हम लोग इस वाले बॉर्डर को भी लगाएं, इसके बाद ये वाला भी लगाएं, ऊपर एक और है जिसकी कुछ ऊपर लाइनें से जा रही हैं, वो वाला बॉर्डर तो इसके साथ इंक्लूड ही नहीं। तो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है वो स्लीव्स का बॉर्डर है, और ये वाला जो है फ्रंट बैक का है। लेकिन हमें स्लीव्स इस तरह का स्टाइल बनाने के लिए ये वाला बॉर्डर भी बैक पे स्लीव्स पे यूज़ करना पड़ेगा, और ये वाला भी स्लीव्स पे यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद भी एक बॉर्डर जो है वो मिसिंग है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक ही बॉर्डर स्लीव्स का लिखा हुआ है। तो बैक पे जो है वो जस्ट मोटिव तो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा, बॉर्डर नहीं आएगा, या फिर स्लीव्स का स्टाइल चेंज कर दें। उसके बाद ये दो पॉकेट स्टाइल हैं, हालांकि पॉकेट नहीं, मतलब इन्होंने जो है ये साइड पे, यहाँ पे जब साइड एक्सटेंशन जो साइड पे लंबी लेस लगेगी उसके बराबर में उन्होंने ये वो कर देना है, अप्लिक करा देना है। तो ये दो छोटे से बंचेज हैं जो एक्चुअली आएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये अप्लिक हो जाएंगे। फ्रंट बैक हो गया, उसके बाद फ्रंट मैंने दिखा दिया, बैक भी हो गया। उसके बाद है इसका दुपट्टा, जो कि दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और दुपट्टे की हमेशा दो साइड्स एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है। आई डोंट नो क्या मसला है, अगर पल्लू भी एम्ब्रॉयडरी करके दे दें तो एप्लिक ना कराना पड़े, लॉन्ग साइड भी हुई हुई है ना, तो दुपट्टा लेकिन वैसे काफ़ी खूबसूरत है। अर्ज भी काफ़ी बड़ा है, लंबाई भी आई थिंक 3 गज या 3.5 गज होगी तकरीबन। और उसके बाद इन्होंने पल्लू का हमेशा की तरह जो है पल्लू के पैचेस दिए हुए हैं, जो कि एप्लिक कराने पड़ेंगे क्योंकि स्ट्रेट ही लग नहीं सकते। और तो ये हो गया इसका दुपट्टा, और फिनिशिंग का फैब्रिक जो हमेशा दिया होता है, इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर ये टेलर, एक्चुअली टेलर जो है ना कपड़े को बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं वो, अगर टेलर थोड़ा सही तरीके से करे तो मेरे ख्याल इसमें शर्ट और दुपट्टे की फिनिशिंग दोनों हो सकती है। लेकिन अगर दुपट्टे पर इतना चौड़ा पलटा लगाएंगे जितना कि ये बॉर्डर है, तो फिर शायद कम हो। लेकिन टेलर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं कपड़े को, वो निकालते हैं हमेशा, इससे जस्ट एक दुपट्टे की फिनिशिंग हो जाएगी या फिर शर्ट और पैंट की हो जाएगी। उसके बाद है इसकी मरून कलर की पैंट, मरून कलर का कॉटन का ट्राउज़र है, और फिर उसके बाद इन्होंने ये ट्राउज़र के पैचेस दिए हैं। अब मैं देखती हूँ कि ट्राउज़र के पैचेस डबल हैं और इसमें इतना पैंचा बन जाएगा, तो ये सही है।
क्योंकि पिक्चर में भी इतना ही पांचा लग रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, तो ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही दी है और ये एप्लिक होगा इस तरह से। बाकी इसमें थन्नक वगैरह हर जगह पे लगी होती है, इस तरह डिटेल में नज़र नहीं आ रहा। दामन के पास अंदर शर्ट के अंदर की साइड पे थन्नक और लेसेस और उसके बाद एप्लिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेसल है ये कभी भी इंक्लूड नहीं होते, इस बार भी इंक्लूड नहीं है। ये जो टेसल का फैब्रिक या कुछ कट करके कहीं पर भी ऐसा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं बन सकते। मतलब हमेशा हम लोग जो है कुछ ऑल्टरनेट बाज़ार से लेते हैं। सो दैट्स इट, ये था इस कलेक्शन का हिट कोड। और मुझे अब टाइम मिला, मेरे पास आई थिंक 2 ढाई महीने से पड़ा हुआ है, और अब मुझे टाइम मिला इसकी वीडियो शेयर करने का, क्योंकि अभी भी हमने इसको स्टिच नहीं करना, कुछ टाइम है स्टिचिंग में। लेकिन ये कि ओवरऑल ड्रेस काफ़ी खूबसूरत है, बस ये इसके अंदर लाइनिंग की ज़रूरत है। इनको चाहिए थोड़ा सा बेटर कपड़ा करें, क्योंकि ये बिल्कुल लॉन, बिल्कुल बहुत ही पतली वाली लॉन है, और इतना अच्छा लाइक इतना महंगा भी, आई थिंक 17,000 कुछ प्राइस है, मुझे ठीक से याद नहीं, डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देंगे। और इतना महंगा फैब्रिक, इतना महंगा सूट लेने के बाद अगर वो सारा जो है सी थ्रू लग रहा हो, तो बहुत ही सारे जोड़े का जो है वो लुक ख़राब हो जाता, तो आई थिंक थोड़ा सा इनको बेटर करना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो है बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, और अब तो नया कलेक्शन आने वाला, तो इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।